कौवे को भोजन कराते हैं हम, खीर पूरी जिमाते हैं, कब? श्राद्ध में। क्यों जिमाते हैं? सुनो, हमारे पूर्वजों तक तो पहुंचे। पूर्वज कौन है? जो हमसे पहले चले गए वो पूर्वज है। जब पूर्वज नहीं मिलते हम बर के पेड़ को बोलते हैं बूढ़ा बरगद। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं पूर्वज के रूप में। ये पीपल का पेड़ बोने पे उगता है क्या? कभी देखो डाल बो के देखो, गुलाब की डाल बो दो, कलम बो दो, गुलाब उग जाएगा, नीम के पेड़ उग जाएगा, नीम का बीज डाल दो, नीम का पेड़ पनप जाएगा। लेकिन पीपल का पेड़ आप बीज डालकर निकाल के ले आओ, पीपल का जितना पीपला का बीज है डाल के देखो जमीन में पक जाते नहीं। ये पीपल और बड़ माताएं व्रत तो करती हैं वट सावित्री के, लेकिन कितना पेड़ बचे बड़ का? जब मैं इंदौर में रहता हूँ वहां एक बड़ का पेड़ है, पूरा मोहल्ला का लोग लाइन लग जाओ उन्हीं में। पीपल का पेड़ नहीं, घर पे सबके पेड़ है। आम का पेड़ लगा लेंगे, अशोक का पेड़ लगा लेंगे, इसका पेड़ लगा लेंगे, नारियल का पेड़ लगा लेंगे। पीपल का पेड़ लगाने से क्या मिलेगा? पीपल हवा देता है, लेकिन हवा की तो हमको कद्र है ही। जो सबसे ज्यादा जरूरी हमको उसकी कदर नहीं। हम पीपल की पूजा करते हैं लेकिन पीपल का पेड़ हमको ऐसा नहीं मिलता है। हमारा पूर्वज पीपल हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि वो बोने पे नहीं मिलता, जमीन में बोने पर पीपल का पेड़ नहीं पनपता। जब कौवे पीपल के बीज खा जाते हैं और कहीं भी जाकर बीट करते हैं, उस बीट में से पीपल का पेड़ उगता है। देखना कहीं पुराने बरगद पर, किसी किले के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर पीपल का पेड़ पनपता है, बड़ का पेड़ पनपता है। ये कौवे नहीं होंगे तो तुम्हारे पूर्वज पीपल का पता नहीं चलेगा। ऋषि मुनि जानते थे आम का पेड़ लोग बोएंगे, अखरोट का पेड़ बोएंगे, गुलाब का पेड़ लगाएंगे, पीपल का पेड़ सीधा किसी के काम का नहीं, इसलिए कोई भी। और ये कौवे भी कौन है? ये मोदी जी के आने से पहले स्वच्छता अभियान चलाने वाले देवदूत है, ताली बजाइए इनके नाम पे। ये तो जाने कितने चूहे मरे पड़े पड़े रहते हैं, ये कौवे हमारे स्वच्छता अभियान। मोदी जी ने कौवे से ही प्रेरणा ली, सफाई करते हैं। तालियां बजाइए, ट्रेनों में जाता हूँ इतनी सफाई मिल रही, ताली बजाओ भरपूर। मैं तो हमारा काम ट्रेन में पड़ता है, जितनी फ्लाइट में सफाई होती है आजकल ट्रेन स्टेशन पर सफाई हो रही है। अब ये कौवे नहीं होंगे तो पीपल भी, ये कौवे नहीं होंगे तो बड़ भी नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनि ने कहा इस प्रकृति को बचाना है, बूढ़े बरगद को बचाना है, हवा चाहिए पीपल को बचाना है, तो पहले कौवों को बचाओ। तो जैसे हमारी माता बहनों को गर्भवती होने पे हम लड्डू खिलाते हैं, हम दाग बादाम के लड्डू बनाते हैं, खोपरे के लड्डू बनाते हैं, महिला को इस समय इसकी जरूरत है। जितनी कौवियाँ होती हैं उस समय उनका प्रजनन काल होता है, बिना मांगे उनको कहीं ना कहीं खीर पूड़ी मिल जाए, हम खीर पूड़ी ले जाकर पूर्वजों के नाम से उनको खिलाते हैं। हमारी परंपराओं में तो कितनी दम है। आपसे प्रार्थना करूंगा बाप को स्वर्ग मिल जाए, हमारी माँ सही जगह पहुंच जाए, तो हम कौवों को खीर पूड़ी खिला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, पिताजी ने जन्म दिया, मकान दिया, दुकान दी, हम उनके लिए खीर पूड़ी कौवों को खिलाकर उनकी प्रार्थना के लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि उनने हमको पैदा किया। लेकिन एक भगत सिंह था, एक चाणक्य था, डॉक्टर हेडगेवार थे, उसके पहले कितने महापुरुष थे, विवाह भी नहीं किया, चले गए इस दुनिया से। तुम न जाने किस जहां हो गए, हम अकेले आज तन्हा हो गए। तुम कभी तालियां बजाओ उन लोगों के नाम पर जिन्होंने कभी पशुपतिनाथ की स्थापना की। ये पशुपतिनाथ जहां बंद थे वहां से स्थापना करके डाली, जिन्होंने देश को बचाया, ये महाराणा प्रताप, ये शिवाजी, कभी चाणक्य, कभी विश्वामित्र, वशिष्ठ, राम, कभी इनकी भी तो कल्पना किया करो। बाप को याद करते हो, ये तो हमारे बाप के बाप है। बाप ने तो हमको मकान दिया, हमको ऐश दिया, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने हमको ये भरा पूरा देश दिया। बताओ कि अपने बाप बुढ़ों का हमने श्राद्ध किया, कभी शहीदों का श्राद्ध करने के लिए सोचा? जब 20 पूड़ी बना के अपने बाप बुढ़ों के लिए रख रहे हैं तो क्या 2 पूड़ी और 1 कटोरी खीर नहीं रख सकते हो? तालियां बजाओ उन शहीदों के लिए। कुछ मत करना है, देश बचा रहेगा।
ये हजारों बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने प्रचारक पैदा होते रहेंगे, अपना घर छोड़कर घूम रहे हैं कितने प्रचारक यहाँ पर, खुद के लिए, देश के लिए नहीं, देश के लिए, और देश के लिए यानी आपके लिए। ज्यादा ना कर सको, खीर भी ना बना सको, तो जिस दिन बाप को एक मुट्ठी भर के जल अर्पण करते हो, तो अपने बाप बूढ़ों के लिए एक मुट्ठी जल अर्पण करने के बाद में उतनी श्रद्धा से एक जरा सा जल और लेना और उसको समर्पित करना, देश के लिए क्रांति करने वाले, देश के लिए शहीद प्राण देने वाले लोग, देश के लिए विज्ञान में काम करने वाले लोग, देश के भले के लिए काम करने वाले लोग, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के पुलिस, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी कलाकार, उन सबके नाम पर श्रद्धा के साथ में जरा सा जल डाल देना। और अगर और जोरदार काम करना चाहो तो एक जोरदार काम और है, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि जब श्राद्ध दागिर सर्वपित्री अमावस्या आएगी तो अपने अपने बाप बूढ़ों के लिए खीर पूड़ी घर पे लगाएंगे, लेकिन उस दिन तय करना कोई बात नहीं, एक भगोनी खीर और बनेगी। और हम चौराहे पर कौओं को बुलाकर